वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके से, और साथ में यहाँ पर बेल के बटन भी क्लिक कीजिए जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके चैनल न्यू गैजेट्स में। और आज हम आपके लाए हैं मोटो G5 Plus और सैमसंग A5 2017 का स्पीड टेस्ट। आज हम करेंगे इन दोनों फोन में स्पीड टेस्ट और हम देखेंगे कौन सा फोन जो है स्पीड में आपके लिए जो है बेटर रहने वाला है। तो हम करते हैं शुरू, और इससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर चिपसेट और रैम की। तो यहाँ पर कौन कौन से जो है चिपसेट आपको देखने को जो है मिलने वाले हैं, तो हम करेंगे उसके बाद में स्पीड टेस्ट तीन तरीके से, और हम देखेंगे कौन सा फोन जो है विनर रहता है। ये वाला फोन है मोटो G5 Plus, जिसमें हम बात करते हैं चिपसेट और रैम की। तो यहाँ पर आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है वो है स्नैपड्रैगन 625, और यहाँ पर रैम में दो वेरिएंट आते हैं, 3 GB और 4 GB। मेरे पास जो अभी अवेलेबल है 4 GB वाला वेरिएंट जो है अवेलेबल है, और हम करेंगे यहाँ पर A5 2017 के साथ में स्पीड टेस्ट। और इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं CPU की, तो आपको मिलता है 2.0 GHz का ऑक्टाकोर CPU। और ये वाला मॉडल है सैमसंग A5 2017, जो कि सैमसंग ने अभी रिसेंटली एक और मॉडल लॉन्च किया है A सीरीज में। ये वाला फोन है A5 2017, जिसमें हम चिपसेट और CPU की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर जो है चिपसेट देखने को मिलने वाला है Exynos 7880, और यहाँ पर हम बात करते हैं CPU की, तो आपको देखने को मिलने वाला है वहां पर 1.9 GHz का ऑक्टाकोर CPU। रैम आपको यहाँ पर मिलने वाली है 3 GB की रैम। तो हम यहाँ पर आज तीन तरीके से स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। पहला हम करेंगे यहाँ पर एक साथ एप्लीकेशन ओपन, दूसरा हम करेंगे स्टॉपवॉच के थ्रू काउंट, और तीसरा हम करेंगे यहाँ पर फोन को रीस्टार्ट करके। तो हम देखेंगे कि तीनों साइड में से कौन सा फोन जो है मैक्सिमम टाइम विनर रहता है, या फिर कौन सा फोन जो है हमें स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए लेना चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, यहाँ पर जो कनेक्टिविटी की हम मिलने वाली है फोन में, दोनों ही फोन में आपको सेम कनेक्टिविटी जो है देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर भी Jio Fi 3 से कनेक्ट है, और सैमसंग A5 2017 में भी जो है Jio Fi 3 से कनेक्ट है। मतलब हमें यहाँ पर जो है स्पीड में कोई डिफरेंस जो है देखने को नहीं मिलने वाला है। तो हम करते हैं शुरू यहाँ पर दोनों ही फोन में एक साथ एप्लीकेशन ओपन करने का प्रोसेस। तो हमने यहाँ पर देखा कि मैक्सिमम टाइम मोटो G5 Plus ने अपने एप्लीकेशन जो है पहले ओपन की है, और यहाँ पर GTS Andreas जो है दोनों ही फोन में एक साथ ओपन हुआ है। कुछ एप्लीकेशन सैमसंग A5 2017 ने पहले ओपन की है। और अब हम करेंगे यहाँ पर स्टॉपवॉच के थ्रू टाइमर काउंट, और हम देखेंगे कि यहाँ पर A5 2017 अपनी एप्लीकेशन जो प्रोसेस है 10 एप्लीकेशन का प्रोसेस कितनी देर में कंप्लीट करता है, और वही सेम प्रोसेस मोटो G5 Plus अपनी एप्लीकेशन जो प्रोसेस है कितनी देर में कंप्लीट करता है। तो हम करते हैं पहले A5 2017 में स्टार्ट, और हम देखते हैं कि कितने मिनट या कितने सेकंड में कंप्लीट कर देता है। यहाँ पर हमने देखा कि सैमसंग A5 2017 ने अपने एप्लीकेशन जो प्रोसेस है कंप्लीट किया है 1 मिनट 47 सेकंड में। और अब हम वही सेम प्रोसेस करेंगे मोटो G5 Plus में, और हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है कितना जो है डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो हम करते हैं शुरू मोटो G5 Plus में। तो हमने यहाँ पर देखा मोटो G5 Plus ने कंप्लीट किया है 1 मिनट 31 सेकंड में। मतलब यहाँ पर A5 17 ने कंप्लीट किया था 1 मिनट 47 सेकंड में। मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है 16 सेकंड का जो है डिफरेंस रहता है। मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन पहले ओपन करने में भी यहाँ पर मोटो G5 Plus जो है विनर रहा है। दोनों ही फोन में जब एक साथ एप्लीकेशन ओपन की थी फर्स्ट वाले प्रोसेस में, तो भी मैक्सिमम टाइम जो है मोटो G5 Plus विनर रहा है। मतलब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं तो 4 GB रैम वाला जो है मोटो G5 Plus विनर रहता है। और अब हम करेंगे यहाँ पर फोन को स्टार्ट स्विच ऑफ करके, और हम देखेंगे कि यहाँ पर पहले कौन सा फोन जो है ओपन होता है। यहां पर दोनों ही फोन में सिर्फ यहां पर सिर्फ एप्लीकेशन है, इसके अलावा कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो हम करते हैं फोन को स्विच ऑफ, उसके बाद हम करते हैं स्टार्ट, और हम देखते हैं कि कौन सा फोन जो है विनर रहता है लास्ट वाले प्रोसेस में। ये फोन अभी जो है दोनों स्विच ऑफ है, और मैं दोनों ही फोन को एक साथ की प्रेस करूंगा, और यहां पर हम देखेंगे कि कौन सा फोन जो है पहले बूट होके जल्दी स्टार्ट हो जाता है।
लास्ट वाले प्रोसेस में हमने देखा कि यहाँ पर सैमसंग A517 वाला जो है विनर रहा है, मतलब बूटिंग करके फोन को स्टार्ट जो जल्दी हुआ है वो है सैमसंग A517। तो यहाँ पे आज के वीडियो में को इतना ही मिलता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट कीजिएगा अगर कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो। और अभी तक अगर हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट जो है देखने को मिल जाए। तो आज की वीडियो में को इतना ही मिलता है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।